दोस्तों आप लोगों ने एक नया YouTube चैनल क्रिएट कर लिया है, YouTube चैनल की सारी सेटिंग्स कर ली हैं, उसका चैनल आर्ट बना लिया है, उस पर एक प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है, सब कुछ ओके कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी एक चीज बची हुई है, उसको भी कर लीजिए। वो क्या है वो मैं बता दूं आपको कि जब आप अपने चैनल का चैनल आर्ट बनाते हैं या फिर चैनल बैनर बनाते हैं तो उसमें एक लिंक दिया जाता है नीचे, उसमें आपको एक लिंक देना होता है, चाहे इंस्टाग्राम का दे दीजिए, चाहे यूट्यूब का दे दीजिए, चाहे फेसबुक का दे दीजिए, चाहे ट्विटर या टेलीग्राम वगैरह जैसे जो भी सोशल मीडिया होते हैं जहां जहां पर आप अपने चैनल के नाम से एक्टिव हैं, वो लिंक्स आप वहां पर दे सकते हैं। उसका क्या फायदा होता है, उसका फायदा मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके चैनल बैनर या फिर चैनल आर्ट का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है किसी भी व्यूअर के मन में आपके चैनल के लिए अच्छी इंप्रेशंस डालने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ही कोई व्यूअर आपके चैनल पर जाता है, एंट्री करता है, तो उसको सबसे पहले आपके चैनल का चैनल आर्ट और चैनल बैनर दिखता है, तो वो होता है फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक। उसी के नीचे जब आपके लिंक्स लगे होंगे कि आप यूट्यूब पर भी इसी नाम से एक्टिव हैं, आप फेसबुक पर भी इसी नाम से एक्टिव हैं, आप इंस्टाग्राम या ट्विटर या टेलीग्राम पर भी उसी नाम से एक्टिव हैं, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा उसके मन में पड़ता है, ठीक है, और वो तुरंत ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है और समझ जाता है कि आपका चैनल किस नीश से रिलेटेड है, और ये भी समझ जाता है कि आप एक रेगुलर क्रिएटर हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए लिंक्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने चैनल बैनर पर इस तरीके के लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो सारा ट्यूटोरियल मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर दूंगा, वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा, पूरा देखिएगा, बारीकी से सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं, और इसमें आपको मैंने एक ऐसा मैजिक भी बताया है कि जैसे ही कोई व्यूअर आएगा आपके चैनल बैनर पर, सोशल मीडिया के लिंक को देखेगा, उस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा, यूट्यूब वाले आइकन पर जैसे ही वो क्लिक करेगा, तो उसके सामने एक पॉपअप निकल करके आ जाएगा और उस पॉपअप को बिना सब्सक्राइब किए वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इससे बहुत ही बड़ा मतलब फायदा होगा आप लोगों को कि जब भी कोई व्यूअर आपके चैनल पर आएगा और आपके चैनल बैनर पर लगे हुए यूट्यूब के आइकन को क्लिक करेगा तो उसको मजबूरी में सब्सक्राइब करना ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ जानते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पर पूरा ट्यूटोरियल मैंने बारीकी से समझाया है। वीडियो हालांकि थोड़ी सी लंबी है लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ा सा समय तो देना ही होगा आप लोगों को। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को जैसी भी लगे उसका कमेंट जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो डेवलप करने में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आ गया हूं मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की ओर, अब मैं आपको ले चलता हूं गूगल क्रोम ब्राउजर पर और वहां पर यूट्यूब को ओपन करते हैं। तो देखिए यहां पर पहले से मेरा यूट्यूब चैनल ओपन है, इसको चलिए यहां पर क्लिक करते हैं। ये साइड में आपको जहां मेरा एक कर्सर रोल कर रहा है यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल पिक्चर दिख रही होगी, आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करके आपको सीधे पहुंचना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, योर चैनल पर, ठीक है। आपको यूट्यूब स्टूडियो में नहीं जाना है, आपको सीधे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है जहां लिखा हुआ है योर चैनल। तो योर चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका चैनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा एक डेमो अकाउंट है, ये डेमो चैनल है जिससे मैं सभी लोगों को ट्यूटोरियल वगैरह देता हूँ, समझाता हूँ कैसे चैनल की सेटिंग करनी है, कैसे बैकग्राउंड लगाना है, कैसे चैनल आर्ट बनाना है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर इसके बाद आपको आना है यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर। ये आप मैं जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर आप नज़र डालते रहिए, उसी ओर नज़र गड़ा कर रखिए और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज चैनल। तो कस्टमाइज चैनल पर आपको करना है क्लिक, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये दूसरा पेज खुल रहा है अपने सामने कस्टमाइज चैनल का, ठीक है। तो देखिए खुल जाए जल्दी, अगर इनकी स्पीड बढ़िया होगी तो भैया खुल जाएगा। तो देखिए सर खुल गया ये, ठीक है, चलिए शुक्र है कि इनकी स्पीड बड़ी अच्छी थी, इन्होंने जल्दी से खोल दिया, इन्होंने वेट नहीं कराया आपको। तो देखिए सर ये खुल गया है चैनल कस्टमाइजेशन, यहाँ पर आपके चैनल का लोगो है, आप यहाँ से लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी गई हैं, डैशबोर्ड है, कंटेंट है, प्लेलिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीन तरीके की आपको सेटिंग्स दी गई हैं, एक है लेआउट, दूसरी है ब्रांडिंग और तीसरा है बेसिक इन्फो। तो सर आपको पहुँचना है बेसिक इन्फो पर, ठीक है। बेसिक इन्फो पर आप क्लिक करेंगे, बेसिक इन्फो क्या होता है कि ये बताता है कि आपका चैनल किस चीज़ से रिलेटेड है, आप अपने चैनल पर कब कब वीडियोज़ डालते हैं, आप अपने चैनल पर कितना रेगुलर रहते हैं और आप अपने चैनल पर किस तरीके के वीडियोज़ डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिखते हैं कहाँ, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ पर लिखते हैं कि हाय हेलो दिस इज सुमित कुमार कंडक्टिंग द चैनल डेमो अकाउंट, इस तरीके से आप करके लिखते हैं। इन दिस चैनल आई विल शो यू द वीडियोज़ डेली, इस तरीके से आप
लिखते हैं अपने चैनल बेसिक इन्फो में, फिर आप नीचे ऐड लैंग्वेज पर आ जाते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी आपका वीडियोज़ हो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है अपने चैनल का URL। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता था कि YouTube चैनल का URL कहाँ से मिलता है, तो उसके उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको पता चल गया कि यहाँ से उनको चैनल का URL प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। बड़ा छुपा हुआ था, देखिए यहाँ छुपे रुस्तम की तरह ये बैठे हुए हैं चैनल URL, और यहाँ पर लोगों को चैनल URL मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में नीचे ये लिखा हुआ है लिंक्स, ये देखिए लिंक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो प्लस का आइकन बना है और लिखा हुआ है ऐड लिंक्स, और इस पर ब्लू कलर का मतलब ब्लू कलर लगा हुआ है, मतलब कि एक ये लिंक है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने दो डायलॉग बॉक्सेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको लिंक का टाइटल डालना है, यहाँ पर उसका URL डालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं डालता हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम के लिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्वाइन मी लिख दीजिए आप खाली, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम का URL डाल दीजिए, a1technology.16। इस तरीके से अपने चैनल का, अपने इंस्टाग्राम का URL आप डाल दीजिए, या फिर खाली यूज़र नेम डाल देंगे तब भी वो कैच कर लेगा, ठीक। अब चलिए दूसरा लिंक लगाते हैं, ये तो हमारा एक लिंक लग गया है, अब लगाते हैं दूसरा लिंक। यहाँ पर लिखते हैं यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर यूट्यूब का लिंक लगाते हैं। YouTube आ गया। अब YouTube का URL कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि YouTube का URL आपको यहाँ से मिलेगा, ऊपर ही लिखा हुआ है। तो या तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद कंट्रोल सी दबाकर कॉपी कर लीजिए, या तो फिर आप इसको डायरेक्ट कॉपी यहाँ से कर लीजिए। और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तब भी आप इस पर थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस करे रहेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप इस URL को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद आता हूँ इस वाले डायलॉग बॉक्स में और यहाँ पर करता हूँ इसको पेस्ट। तो सर मैंने देखिए इसको कर दिया है पेस्ट पूरी तरीके से। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पेस्ट हो गए हैं, दोनों ही लिंक्स यहाँ पर लग गए हैं। अगर आप कोई और लिंक लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड लिंक पर आपको करना होगा क्लिक। ऐड लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक लिंक का और का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर ट्विटर का लिंक लगा सकते हैं या फिर और भी किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया का लिंक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ दो ही लिंक लगा कर आप लोगों को दिखाने हैं, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। आप यहाँ पर 5-6-7 लिंक्स लगा सकते हैं। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है लिंक्स ऑन बैनर, इंडिकेट विच लिंक यू वुड लाइक टू डिस्प्ले ऑन द बैनर ऑफ योर चैनल होम पेज, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ना कि आपको कितने लिंक्स लगाने हैं, नन मतलब कोई लिंक नहीं लगाना है, या फर्स्ट लिंक लगाना है, फर्स्ट टू लिंक्स लगाने, तीन लिंक लगाने, 4-5 लिंक तक आप यहां पर अपने चैनल बैनर पर लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए आपने लिंक्स लगा दिए हैं यहाँ पर। लिंक्स लग जाने के बाद अब आपको करना है पब्लिश। तो आपको यहाँ पर आना है जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पर देखिए पब्लिश का एक आइकन बना हुआ है। इस पब्लिश वाले आइकन पर आपको करना है क्लिक। ये वाली जो सेटिंग आपने अभी करी है ये हो जाएगी सेव, और सेव हो जाने ये हो चुकी है पब्लिश। आप देख सकते हैं कि पब्लिश का आइकन डल पड़ चुका है। अब यहाँ से आप अपने चैनल को चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने सेटिंग बनाई है या जो भी चैनल के आइकन्स आपने लगाए हैं वो सही से लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो आपको जाना होगा व्यू चैनल पर, ठीक है। व्यू चैनल पर आप जाएंगे तो दूसरे पेज पर आपका चैनल ओपन हो जाएगा। ये देखिए अब आपका चैनल ओपन हो चुका है और आपके दोनों लिंक्स आपके चैनल बैनर पर लग चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको मैं दिखाऊं कि जैसे ही आप इंस्टाग्राम वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। आप यूट्यूब वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी कुछ नेट स्लो आ रहा है शायद, इसलिए दिक्कत कर रहा है। ये देखिए आपका चैनल ये ओपन हो गया, ठीक। अब इंस्टाग्राम वाले पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम भी ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम के लिए एक दिक्कत यहाँ मैंने छोड़ दी थी, होगा www.instagram.com/अपना यूजर नेम, ठीक है। ये लिख करके आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम वाला जो आइकन है वो भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। वो भी एक्टिव हो जाएगा पूरी तरीके से। जिसको रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, आपकी सेटिंग फिर से लोड हो जाए। और यहाँ पर देखिए आपका इंस्टाग्राम वाला आइकन भी
अपडेट हो चुका है और एक्टिव हो चुका है। ये देखिए इंस्टाग्राम ओपन होने लगा दोस्तों। आपको वहाँ पूरा यूआरएल डालना है अपने यूज़र नेम के साथ। ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आप लोग ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और बाकी ये देखिए दोस्तों कि आपको मैंने दिखा दिया कि यूट्यूब वाला लिंक भी कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो यही एक तरीका होता है जिससे आप अपने चैनल पर लिंक्स लगा सकते हैं सोशल मीडिया के, ठीक है दोस्तों। मैं एक सेटिंग और बताता हूं और दिखाता हूं, वो ये कि आपको वापस आना है अपने चैनल कस्टमाइजेशन वाले पेज पर, और यहां पर आप जहां पर YouTube का लिंक डाला है तो उसके URL पर आपको कुछ चेंजेस करने हैं। उसके URL के आखिरी में आपको जाना है, यहां लगाना है क्वेश्चन मार्क और लिखना है सब SUB सब _ कन्फर्मेशन =1। इस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, सब लिखना है, _ लिखना है, कन्फर्मेशन =1 लिखना है, उसके बाद आपको कर देना है पब्लिश, ठीक है। ये आपकी सेटिंग हो गई सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ निकल करके आएगी कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। देखिए आप जैसे ही अब कोई भी व्यूअर आएगा आपके अकाउंट पर, जैसे ही क्लिक करेगा आपके मतलब चैनल बैनर पर जा करके इस वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करेगा, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही इस वाले लिंक पर वो व्यूअर क्लिक करेगा तो एक तरीके का पॉपअप आएगा उसके सामने, ये देखिएगा अभी। तो देखिए दोस्तों जैसे ही वो व्यूअर आ करके आपके इस आइकन पर क्लिक करेगा तो उसके सामने इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा कि कन्फर्म चैनल सब्सक्रिप्शन, आर यू श्योर वांट टू सब्सक्राइब मिस्टर सुमित कुमार। तो इस तरीके से पॉपअप उस व्यूअर के सामने दिखाई देगा, तो अगर वो चाहे आपका चैनल आर्ट वगैरह अगर अच्छा बना होगा तो वो आपके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और बहुत ही अच्छा एक तरीका है, इसको आप लोग अपने चैनल पर अप्लाई कर लीजिएगा। तो जो भी व्यूअर आपके चैनल आर्ट पर जाकर आपके यूट्यूब वाले आइकन को क्लिक करेगा तो उसके सामने इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप अपने YouTube चैनल के चैनल बैनर पर अपने सोशल मीडिया आइकन्स किस तरीके से लगा सकते हैं, उनको कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो YouTube वाला जो पॉपअप वाला है वो कितना बढ़िया और कितना मज़ेदार है। तो इसी तरीके से आप भी अपने चैनल बैनर पर सोशल मीडिया आइकन्स को लगा लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और आप लोगों को फ़ायदा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने व्यूज और कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। बाकी मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बाकी दोस्तों जिन लोगों ने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पर तुरंत कर सकूँ, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके मुझको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।